तो फ्रेंड्स, ये हम रास्ते में निकल चुके हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं, कहाँ पे क्या करेंगे, सब आपके साथ शेयर करूँगी। पर आज का ब्लॉग हिंदी में, बहुत सारा ब्लॉग मैं उड़िया में छोड़ी, बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगा, इसलिए थैंक यू सो मच। बीच बीच में ऐसे संबलपुरी में ब्लॉग आता रहेगा, लेकिन आज का ब्लॉग स्पेशल हिंदी में, और क्योंकि ये एक बहुत ही स्पेशल वाला ब्लॉग है, मैं चाहती हूँ ये ब्लॉग सारा इंडिया, सारा वर्ल्ड के पास पहुँचे, और हम लोग कुछ लोग मिलके कहीं पे जा रहे हैं। तो ये मैं रास्ते में निकल चुकी हूँ, सुंदरगढ़ का जो वुमेन्स कॉलेज रोड है वहीं पे, वहाँ किसी के घर में हम सब इकट्ठा होने वाले हैं। तो देखिए, सबको इकट्ठा हो चुके हैं, तो चलिए पहले बात करते हैं। फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस पुरोहित। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। आपने देखा यहाँ पे मैंने कुछ लोगों को आपसे मिलवाया, और हम आके पहुँच गए हैं अली के घर। ये वाला ठीक है, ये उसके मम्मी का घर है पे वो है, और हमारे कुछ फ्रेंड्स भी आ गए हैं, और हम सारे फ्रेंड्स मिलके कहीं पे जा रहे हैं, बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं। पहले मतलब सब कोई गए हैं वहाँ पे, लेकिन क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहा है और ये हम लोग नवरात्रि के अंदर जा रहे हैं, तो माता रानी के पास जा रहे हैं। कौन कहाँ पे जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, मैं सब दिखाऊंगी ब्लॉग में, बने रहिएगा ब्लॉग लास्ट तक, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो जय माता दी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग यहीं से। तो फ्रेंड्स, ये देखिए सिमरन आ गई, ममता भाभी, सीमा भी आ चुकी है, सीमा हमारे साथ आई रास्ते में, और ये अंबिका भी पहुंच चुकी है, और एक फ्रेंड भी जाएगी हमारे साथ। चलिए, उसी के घर में हम सब इकट्ठा हुए थे, देखिए छुप जा रही है, और आए बोली बबली। तो हम इतने जन जा रहे हैं, देखिए टोटल 6 जन जा रहे हैं, बच्चे लोग कोई नहीं जा रहे हैं, सारे फ्रेंड्स ही जा रहे हैं, और हमारे साथ जा रहे हैं मिस्टर पुरोहित, क्योंकि हम लोग हमारे गाड़ी में ही जा रहे हैं। तो ये निकल चुके हैं हम लोग संबलपुर के लिए, तो आप लोगों को पता चल गया होगा क्योंकि हम लोग संबलपुर के रास्ते जा रहे हैं, और हम लोग जा रहे हैं समलेश्वरी माता को दर्शन करने के लिए। हम सब निकल चुके हैं जय माता दी बोल के। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग गाड़ी में बैठ के संबलपुर रोड की तरफ जा रहे हैं। तो हम लोग ना 2:30 में दोपहर में घर से निकले, मैं स्कूल से आई, सीमा भी स्कूल से आई, और हम लोग आए और यहाँ पे रुके हैं कुछ फ़ोटोशूट के लिए। और ये है हमारा वीरमित्र मेमोरियल गेट, तो यहाँ पे सोचा कि चलिए एक पिक ले लेते हैं और कुछ वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक मेमोरी है यहाँ पे। तो चलिए, बहुत पुराना गेट है, तो यहाँ पे हम सब, यहाँ से सुंदरगढ़ स्टार्ट होता है और वहाँ से उधर झारसुगुड़ा रहता है, तो यहाँ पे हम लोग फ़ोटो किए, और ये मिस्टर पुरोहित शूट कर रहे थे। फिर हम लोग यहाँ देखिए, सूरज भी आज थोड़ा सा छुपा छुपा है, मतलब बादल के अंदर घूंघट डाल के, ताकि हम लोगों को गर्मी ना लगे ज़्यादा। तो सोचिए वो भी हमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, दोनों साइड से रोड गया है जाने आने के लिए, और बीच में हम सब शूट कर रहे थे, बहुत सारा रील्स बनाए, बहुत सारा प्यार मिला सबका। रील्स वीडियो मैं छोड़ चुकी हूँ सब लोगों को, मतलब बहुत सारा यहाँ का वीडियो नहीं छोड़ी, मैं छोड़ दूँगी, आप लोग देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और ये वीडियो में समलेश्वरी मंदिर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन लेकिन बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। हम लोग किधर से गए और वहाँ पे भी हम सब ने बहुत सारा फ़ोटोशूट किया है, वो सब दिखाऊंगी मैं। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये नज़ारा, सारा घर जो है यहाँ पे अलग अलग कलर्स के हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैं बोली तो कहाँ पर आके पहुँच गए हैं जैसे लग रहा है, जैसे बाहर के देश में कुछ कंट्रीज़ में ऐसे रहता है ना, सारा घर अलग अलग कलर्स का बहुत सुंदर दिखता है वैसे ही। और ये रोड भी कितना प्यारा लग रहा है, मौसम बहुत सुहाना है, गर्मी बहुत कम लग रहा था, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी टाइप का लग रहा था, लेकिन जो धूप की वजह से गर्मी लगता है ना, वो चीज़ नहीं लग रहा था। और हम लोग बहुत मस्ती करते हुए, गाना मतलब गाड़ी में बिल्कुल नहीं लगाए हम लोग, खाली मतलब बात करते हुए जा रहे हैं, इतना बात कर रहे हैं ना, मतलब टाइम कैसे चला गया पता ही नहीं चल रहा है। आसमान कितना सुंदर दिख रहा है, मैं उसी को ही शूट कर रही थी, इतना प्यारा लग रहा था, देखो कितना सुंदर, और रोड भी मस्त। और ये हम लोग आ गए हैं संबलपुर जाने के लिए, और एक भी रास्ता है बीच में से, आप जाओगे तो यहाँ पे डैग आता है, तो क्या डैग बोलते हैं ये रास्ता मेरे को उतना याद नहीं है, लेकिन ये अंदर से थोड़ा सा घुस के ऐसे जाओगे तो यहाँ पे आपको पानी दिखेगा बहुत सारा, तो वहीं पे ही हम लोग मतलब वहाँ से जा रहे हैं। देखो कितना सुंदर दिख रहा है आसमान, बादल, उसमें से सूरज की किरणें गिर रहे हैं पानी में, और वहाँ पे एक वाइट लाइन आ गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। हम लोग यहीं पे रुक के थोड़ा सा फ़ोटोशूट करेंगे। आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइए, इसके बाद सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको पूरा समलेश्वरी मंदिर दिखाऊँगी जो अभी चेंज
चेंज हुआ है, मस्त लगेगा। बहुत बहुत देर तक हम लोग रुके, बहुत अच्छा लगा, दर्शन भी बहुत अच्छे से हुआ। ये देखिए ये सूरज की किरणें कितना सुंदर दिख रहा, मतलब मोबाइल में ना इतना अच्छा नहीं आया है जैसे खाली आँख देखने से आता है, वो तो है, खाली आँखों से जितना सुंदर दिखता है ये नेचुरल चीज़ें, मोबाइल में उतना सुंदर नहीं आता भाई। इधर से पानी जा रहा है, यहाँ पे भी हमने बहुत सारा फोटोशूट किया, तो चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए कुछ सॉन्ग के साथ। बेकरार करके हमें यूं न जाए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाए, आपको हमारी कसम लौट आइए। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे ना पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों ये डरता है दिल। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। इंतहा हो गई इंतजार की, आईना खबर मेरे यार की, दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा जो कि पल में पिघल जाओगे। दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, कि दिल करे हाय कोई ये बताए क्या होगा। चलते चलते मेरे ये कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तो फ्रेंड्स ये सॉन्ग भी ख़त्म हो गया और हम आके पहुंच चुके हैं संबलपुर। तो नेक्स्ट ब्लॉग में देखिएगा, बिल्कुल नहीं भूलिए, मैं ये हिंदी में इसलिए बना रही हूँ ताकि सब लोगों को समझ में आए और सब लोग देख पाएँ। तो चलिए चलते हैं समलेश्वरी मंदिर माता रानी के पास। जय माता दी। आज का ब्लॉग बस इतना, बाय फ्रेंड्स।